राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दूसरी बैठक में मंदिर निर्माण की तारीख तय करके प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दी गई है। इस पर अंतिम फैसला पीएमओ ही करेगा। यूपी के अयोध्या में शनिवार को हुई बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर की नींव रखने से पहले तकनीकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। चंपत राय ने बताया कि सोमपुरा ही मंदिर का निर्माण करेगा। सोमनाथ मंदिर को भी इन लोगों ने ही बनाया है। मंदिर बनाने में पैसे की कमी नहीं होगी। मंदिर के लिए 10 करोड़ परिवार दान देंगे। उन्होंने आगे बताया कि कंपनी लार्सन एंड टुब्रो मिट्टी परीक्षण के लिए नमूने जुटा रही है। मंदिर की नींव का निर्माण मिट्टी की क्षमता के आधार पर 60 मीटर नीचे किया जाएगा। नींव रखने का काम नक्शे के आधार पर शुरू होगा। शनिवार को सर्किट हाउस में हुई बैठक में चंपत राय के अलावा अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, कमलेश्वर चौपाल, नृत्य गोपाल दास, गोविंद देवगिरी महाराज और दिनेंद्र दास समेत दूसरे ट्रस्टी सर्किट हाउस में मौजूद रहे। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक शनिवार को दोपहर लगभग 4 बजे शुरू हुई। इसमें ट्रस्ट के पदाधिकारी बैठक में मंदिर निर्माण से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाने की बात कर रहे थे। इससे पहले आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने भी अयोध्या पहुंचकर मंदिर निर्माण से जुड़े वीएचपी नेताओं और संतों से मुलाकात की। वे ट्रस्ट की बैठक की तैयारी को लेकर कार सेवक पुरम की बैठक में भी शामिल हुए। मंदिर का एजेंडा इसी मीटिंग के बाद फाइनल हुआ।